जेके मीडिया के सभी व्यूवर्स को शुभ प्रभात। हमारा भारत देश एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस बार असेंबली के चुनाव में जो आपको देखने को मिलेगा, जिस प्रकार से हम खासकर डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो लगभग 41 कैंडिडेट्स ने जो डोडा डिस्ट्रिक्ट की जो 3 कॉन्स्टिट्यूएंसियाँ हैं उनमें अपने नामांकन जो भरे हैं। मैं पहले 51 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो भद्रवाह की कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसकी बात करूं तो 16 जो कैंडिडेट्स मैदान में हैं, चाहे वो पार्टियों के हों या आज़ाद उम्मीदवार हों। इसके अलावा डोडा 52 जो है उसमें जो 9 कैंडिडेटों ने अपने नामांकन भरे हैं। 53 की मैं बात करूं डोडा तो उसमें भी 16, और टोटल मिलाकर हम बात करें तो 41 कैंडिडेट्स जिन्होंने इस बार जो चुनाव के अंदर जो भाग लेना। और बात ये भी मैं करूं तो 30 कल डेट है, 30 तारीख को जो लास्ट डेट रहेगी, जो भी विदड्रा करना चाहता है तो 30 तारीख जो लास्ट डेट रखी गई है, उसके बाद जो कैंडिडेट्स आगे चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको जो चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे। हालांकि जो पार्टी के कैंडिडेट्स हैं उनके पास तो पहले ही चुनाव हैं, लेकिन जिन कैंडिडेटों ने जो आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ना है उनको जो कल 30 तारीख है कल तक वो विदड्रा कर सकते हैं, नहीं तो उनको आगे जो चुनाव चिन्ह दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा जो भारत है, इस बार 41 जो कैंडिडेट्स जिन्होंने जो अपने नामांकन भरे हैं चाहे वो किसी भी पार्टी से हों, सब ने जो इस बार अपनी किस्मत आजमाने का जो फैसला किया है, आखिर किसके सर पर जो एमएलए का ताज चढ़ेगा, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन जीत कर आएगा, हम सबको जो आगे निकल कर आना चाहिए, वोट करना चाहिए। वोट की क्या ताकत है, वोट कितना जो हमारे लिए जो अहम है, कितनी जो इसकी पावर है, हमें अपने पावर का ज़रूर इस्तेमाल करना है, अपने जो मतदान केंद्र हैं वहाँ पर जाना है और वोट करना है। जो भी आपका जो पसंदीदा जो कैंडिडेट होगा या जिसने आपके काम किए होंगे, आपको वहाँ जाकर जो उस कैंडिडेट को वोट करना है, डेवलपमेंट के बारे में जो आगे सोचना है कि किस प्रकार से हमारी डेवलपमेंट आगे हो, और कौन कैंडिडेट जो इस चीज़ को जो डिज़र्व करता है, कौन कैंडिडेट जो आगे जाकर हमारे काम करेगा। हमें ज़रूर अपने घर से निकलना है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई हमने इस बार वोट करना नहीं है, कैंडिडेट जितने भी आज तक आए, जितनी भी पार्टियां आई, तो हमारे लिए किसी ने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन हमने जो अपना कैंडिडेट, अपने मर्जी का कैंडिडेट ज़रूर चुनना है, ज़रूर वोट करना, अपने वोट की हमने जो ताकत समझनी है, वोट करने जो ज़रूर जाना है। जो भी कैंडिडेट आपको जो सही लगता है उस कैंडिडेट को आपको जो मतदान केंद्र पर जाकर जो वोट करना है, ताकि आपका जो एक वोट है वो सरकार बना सके, वो आपका कैंडिडेट चुन सके। और आपके जो काम, जिस प्रकार से हम जो शिकायत बाद में करते हैं कि भाई हमारे काम हुए नहीं हैं, हमारे काम किसी ने किए नहीं हैं, डेवलपमेंट के काम जो रुके हैं, लेकिन जब आप सही अपने नुमाइंदे को चुनोगे जो आपके काम कर पाएगा, आप उसको जो वोट करोगे, तो उसके बाद आपको जो तसल्ली होगी कि भाई ये कैंडिडेट हमारे लायक है, ये कैंडिडेट जो हमारे काम करेगा, हमारी आवाज़ सुनेगा, हमारी आवाज़ जो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएगा, गवर्नमेंट तक पहुँचाएगा। तो सबसे हमारी तरफ से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट रहेगी, 18 तारीख को जो चुनाव होने हैं फर्स्ट फेज के, जो जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे पहले हमारे डोडा या किश्तवाड़ रमन की मैं बात करूं तो फर्स्ट फेज के चुनाव होने जा रहे हैं, तो सभी मतदान केंद्रों पर जाएं और अपने जो वोट की जो पावर है वो वहां पर दिखाएं। अगर हाँ आपको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है तो नोटा का भी जो आज ऑप्शन दिया होता है कि आप नोटा का बटन दबा सकते हैं, जो अपनी नाराज़गी का आधार वहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन ज़रूर आपको वोट करने जाना है। फिलहाल कल की डेट है 30 तारीख को, जो भी विदड्रा करना चाहता है तो उनके लिए जो 30 तारीख रखी गई है, उसके बाद जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, आज़ाद उम्मीदवार काफ़ी ज़्यादा इस बार जो मैदान में उतरे हैं, वो भी जो अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, लेकिन कल के बाद उनको जो चुनाव निशान मिलेंगे उसके बाद वो उसका प्रचार कर सकते हैं। अब देखते रहिए जेके मीडिया, धन्यवाद।